हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और फंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें और डीपीएस की बात करें, देखो सबसे पहले ये स्टेट के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के ऊपर एक्शन पर लिमिटेशंस लगाती है, जबकि जो डीपीएसपी वो गाइडलाइंस है, मीन्स ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के, ठीक है, टू अचीव सर्टेन एंड्स, ठीक है, ये इन्फोर्सिबल है फंडामेंटल राइट्स, ये नॉन एनफोर्सिबल है, और इनको लेजिस्लेशन की अप्रूवल की एग्जीक्यूशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं फंडामेंटल राइट की, मतलब कोई कानून नहीं चाहिए क्योंकि ये इम्पोसिबल है, सुप्रीम कोर्ट गारंटर है और हाई कोर्ट रिट्स जारी करती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो डीपीएसपीज हैं उनको तो लेजिस्लेशन चाहिए, ठीक है, स्टेट पॉलिसी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं तो उसकी एक लेजिस्लेशन चाहिए, ये स्पेसिफिक है फंडामेंटल राइट्स, ये वाइडर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि फंडामेंटल डीपीएसपी ज्यादा वाइडर है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, नॉन एनफोर्सिएबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जबकि फंडामेंटल इनफोर्सिएबल है, और इनके लिए लॉ चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं चाहिए, डीपीएसपी के लिए चाहिए, ठीक है, ये लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट, जबकि ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू अचीव सर्टेन एंड्स। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये सिटीजन के द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है ऑफ इंडिया, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंट बाय द स्टेट, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के द्वारा एक्सपेक्ट की जाती हैं, जबकि जो डीपीएसपी वो स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। 1976 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी पार्टी जब सत्ता में आती है तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है, 1976 में कांग्रेस पार्टी पार्टी स्वर्ण सिंह कमेटी बनाती है और वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंडेशन करती है, ठीक है, जो कि इमरजेंसी के समय ऐसा फील हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको फॉलो किया इस्टेब्लिश किया गया था, इंक्लूड किया, 10वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको ऐड किया गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको ऐड किया गया, ये 10th नहीं है, ये 11th है आई थिंक, ठीक है। नहीं, ओके ओके, ये 10th ही, सॉरी 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 सॉरी